ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे चाणक्य नीति की वो बातें जो आप अपनी पत्नी से करने के लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी पत्नी भी अगर वही बातें करती हैं तो हो सकता है आपका बुरा बुरा वक्त आ जाए। क्योंकि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे खास और अहम होता है। दोनों का रिश्ता सात फेरों से जुड़ता है और फिर वो हमेशा के एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं, तो आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। आचार्य चाणक्य ने पति पत्नी के लिए एक नीति में बताया है कि कब किसी की पत्नी के लिए उसके पति ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पति पत्नी अगर बुराइयों में लिप्त हों, चाणक्य ने अपने कथन में कहा है कि अगर पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई एक भी अगर बुराइयों से घिरा रहता है तो दूसरे को इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। अगर पति गलती करता है तो उसका प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, और वही अगर पत्नी गलती करती है तो उसका प्रभाव पति पर पड़ता है। बुरे चरित्र वाली स्त्री के लिए बुरा है पति। चाणक्य ने अपने श्लोक में कहा है कि यदि कोई स्त्री बुरे चरित्र वाली है या फिर उसका किसी अन्य पुरुष के साथ उसका संबंध है तो वो अपने पति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। चाणक्य के कथन के हिसाब से अगर गलत काम करने वाली स्त्री को पति ऐसे काम से रोकता है तो वो उसे शत्रु समझती है। तीसरा है लोभी का शत्रु। लोभी यानी बहुत लालची व्यक्ति, उसका पूरा मोह धन में रहता है। ऐसे लोग अपनी जान से भी अधिक स्नेह धन से रखते हैं। यदि इन लोग के घर कोई धन मांगने वाला आ जाए तो याचक को किसी शत्रु के समान ही देखते हैं। दान पुण्य के कर्म इन्हें व्यर्थ लगता है। जो लोग जड़ बुद्धि होते हैं यानी मूर्ख होते हैं, वे ज्ञानी लोगों को शत्रु मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति के सामने यदि कोई उपदेश देता है तो वे ज्ञानी को ऐसे देखते हैं जैसे उसका वो सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान की बातें मूर्ख व्यक्ति को चुभती है क्योंकि वह इन बातों पर अमल नहीं कर सकता। मूर्ख का स्वभाव उसे ज्ञान से दूर रखता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।